क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुमसुख वांगडू। फुमसुख वांगडू हमें मिल गया। अच्छा बाद में तभी लगा आपकी तलाश में तो आए थे हम। फुमसुख वांगडू हमें मिल गए फाइनली। तो आप यहाँ बैठे हो सबसे। चलो ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज है हमारा डे 3 लद्दाख में। डे 1 में हम लोग ने यहाँ पे जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर करी, और डे 2 यानी कि कल हम लोग गए थे लेह श्रीनगर हाईवे पे। वहाँ पे एक जगह है नीमू, तो वहाँ तक हम लोग गए थे और रस्ते में जो 4-5 स्पॉट थे वो हमने कवर करे। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं लेह मार्केट से नुब्रा वैली की ओर, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और अगले 3 दिन का हमारा प्लान अभी फिक्स हो गया है। आज हम लोग यहाँ से नुब्रा वैली जा रहे हैं और फिर कल वहाँ से जाएंगे तुर्तुक। एक गाँव है जो कि इंडियाज लास्ट विलेज उसको कहा जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर में वो गाँव है। और फिर परसों हम लोग निकलेंगे वहाँ से चाइना बॉर्डर की ओर, यानी कि पैंगोंग लेक की ओर। सो अगले 3 दिन का ये प्लान है हमारा। उसके लिए हमने यहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी हायर कर ली है। अप्रॉक्स 5000 पर पर्सन चार्जेज है उसके। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में जो भी व्यू होगा आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस चलिए अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। पीछे यहाँ पे हमारा रूम था, होम स्टे, और अभी ये टैक्सी आ गई है हमारी। तो चलिए अभी यहाँ से नुब्रा वैली आज जा रहे हैं। नुब्रा वैली और तुर्तुक विलेज वहाँ पे देखते हैं। आज या तो नुब्रा वैली में रुकेंगे या फिर सीधे तुर्तुक विलेज। सो देखते हैं आगे जो भी सीन होगा। जब देखेंगे, अभी तो है टाइम 3 दिन में। तो गाइस अभी टैक्सी वाले भैया हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं घर से। तो चलिए सफर की शुरुआत से पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। दो ही दिन में काले हो गए हम तो। हाँ, मैं भी। मेरे घर वाले बोलते हैं। बर्फ भी दिखेगी क्या वहाँ? थोड़ा बहुत होगा। होगा? थोड़ा बहुत। गाइस यार अभी प्लान है हमारा, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला। खारदुंगला जो टॉप है, और ये देखिए अभी ले रह गया बहुत ही नीचे। इस पूरे एरिया के टॉप में अभी हम लोग आ गए। शायद इसके बाद फिर ले दिखाई नहीं देगा। सो गाइस यार ये है आज की हमारी पूरी टीम। ये भैया आप कहाँ से? मैं आसाम से। आसाम से हैं भैया। आपका नाम? मेरा नाम राजू। तो भैया आसाम से है। ये रवि भैया हमारे साथ में, और ये भैया आज हमें गाइड करेंगे। आपका नाम भैया? तासी भैया आज हमारे साथ में। तो अभी कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले? हम जाएंगे नुब्रा वैली। ये कौन सी जगह? ये है नुब्रा वैली का रास्ते में ले व्यू पॉइंट। तो अभी तासी भैया ने बताया ये ले व्यू पॉइंट। तो अभी खारदुंगला पास हम लोग जा रहे हैं, और फिर उसके बाद नुब्रा वैली होते हुए तुर्तुक विलेज। तो चलिए दोस्तों, आज तासी भाई हमें पूरा जो रूट है वो बताएंगे, गाइड करेंगे हमें। तो चलिए अभी ले व्यू पॉइंट पे हम लोग हैं, और अब यहाँ से जो खारदुंगला पास हम लोग जा रहे हैं। सो चलिए अब वहीं टॉप में आपको मिलते हैं, खारदुंगला टॉप में। सो लेट्स गो। चले फिर चले। ये लोग आज का सफर तासी भैया के साथ है। ये साउथ पुलू। अच्छा, साउथ पुलू बोल के चेक पोस्ट है ये। ठीक, आर्मी चेक पोस्ट। ये जो सामने टॉप दिखाई दे रही है, ये क्या? हाँ, वो खारदुंगला टॉप। ये जो सामने वाला पहाड़ है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे अपना पास वगैरह चेक करा रहे हैं। और फिर इसके बाद ये देखिए, ये जो टॉप है ऊपर, ये है खारदुंगला। तो चलिए अब वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे। अरे यार ये जाता है वहाँ के लिए क्रॉसिंग ऑल। ये तो तेल वेल सब श्रीनगर उधर से ही आता है होगा। तो गाइस यार अभी हम लोग पहुँच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास जो है खारदुंगला पास। अभी शायद ये सेकेंड नंबर में है, अभी कुछ टाइम तक ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास था। ये देखिए यारो, वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंग ला। यहाँ पे मतलब बोला भी नहीं जा रहा है, ठंड बहुत है और बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। यहाँ पे तो आपको व्यू दिखाता है फिलहाल, और आर्मी का कैंप भी यहाँ पे एक, और ये टॉप 17,982 फीट की हाइट में भी हम लोग हैं। और इस साइड में आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पूरी स्नो है इस साइड में, ऊपर टॉप में तो बहुत ज़्यादा स्नो है बट नीचे साइड में थोड़ी सी कम है, इस साइड में काफ़ी ज़्यादा स्नो है। तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना सेफ भी नहीं है, और आर्मी वाले भी अभी हमें यहाँ से जाने को बोल रहे टाइम से। ओके सो गाइस अभी हम लोग है खारदुंगला पास में, और तासी भाई तो यहाँ आते रहते होंगे, आप तो आते ही रहते होंगे, बहुत बार आए हैं। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम आ रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी चेंज हो गई और सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप थोड़ा सा बताइए इस जगह के बारे में। ये जो है खारदुंगला जो है पहले वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। अच्छा, तो अभी तो यहाँ बर्फ नहीं हुआ है, अब सेकेंड नंबर में आ गया ना, अभी कहने में आ रहा है कि सेकेंड नंबर पर आ गया। ठीक, अभी थोड़ा यहाँ बहुत ठंड है, हवा चल रहा है तेज, और लोग वो आर्मी वाले भी कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रुकना सेफ नहीं है। हाँ, यहाँ 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठने से हाईटेक हो जाता है, यहाँ वही ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। जैसे तासी भाई ने बताया 17,982 फीट शायद ऐसी कुछ हाइट है इसकी। तो चलिए अभी बाकी लोग उधर अभी स्नो में गए हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं उनका, फिर निकलते हैं। कड़क ठंड है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, वहाँ उतरने के बाद ये नॉर्थ पुलो आएंगे, उसके बाद खटकाल होते हुए नुब्रा वैली। कितना है यहाँ से, कितना किलोमीटर हो रहे हैं अभी यहाँ से? कम से कम हम आए हैं 45 किलोमीटर। ओके, लेह से हम लोग अभी 45 किलोमीटर आगे लेह मार्केट से, और नुब्रा वैली अप्रॉक्स और 100 अप्रॉक्स यहाँ से है और नुब्रा वैली। चलिए अब आपको नुब्रा वैली में मिलते हैं। तो रवि सर कैसा रहा? बढ़िया। फोटो खिंचा के आ गए। वो कहाँ गया हमारे आसामी भाई, वो अभी नहीं आए क्या? तो चले गए, जब आपको नीचे नुब्रा वैली की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए गए, एक बंदा यहाँ साइकिल से पहुँचा केरला से लद्दाख। ये भी बड़ी गजब की बात है, रवि सर केरला से लद्दाख पहुँचे अभी साइकिल से। ये देखिए। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ये था खारदुंगला पास। सो गाइस यार ये टॉप में था खारदुंगला टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और अब हम लोग निकल पड़े यहाँ से नुब्रा वैली की ओर। ये रोड आप देख रहे हैं, नीचे अब डाउन में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो बाय खारदुंगला पास। नाउ वी आर एंटरिंग टू नुब्रा वैली। समझ में आ रहा है ना? ये तो आ रहा है। पहली गाड़ी हमें लद्दाख में अभी उत्तराखंड की मिली, UK 07। सो गाइज अभी नॉर्थ पुलो में हम लोग हैं। नॉर्थ पुलो इस जगह का नाम है, और जो खारदुंगला से पहले जो जगह था, जो चेक पोस्ट था, वो था साउथ पुलो, और ये है नॉर्थ पुलो। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। वाओ, ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी नदी है और बर्फ़ देखिए, बर्फीली नदी आप इसको कह सकते हो। और वहाँ पे याक यहाँ पे घूम रहे हैं काफ़ी सारे। एक छोटी सी नदी और बर्फ़ देखिए नदी में। ओ बर्फीली नदी एकदम, और शायद ये बर्फ़ पिघलने के बाद का ही पानी है जो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ भी बर्फ़ वाली नदी, और इस साइड में भी नदी है, छोटी सी नदी है। आई थिंक ये पीछे बर्फ़ जो पिघल रही है उसी से ये पानी बना हुआ है, क्योंकि ऊपर तो कोई नदी दिखाई नहीं दी हमें। सुबह जब चलते बर्फीली नदी में नहा धो के आते हैं, सुबह नहाया नहीं था। बहुत ठंड है। पहले पानी को चेक कर लेते हैं। बहुत ठंड है। एक किलो मारे से क्या मजा आएगा। करंट लग रहा है, ना हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो ट्राई करे। चॉकलेट भैया, राजू भैया चॉकलेट आपके आसाम में मिलती है ऐसी चॉकलेट। कैप क्लीन लद्दाख, आसाम की तरह। आसाम कैसा क्लीन है? हाँ, बहुत क्लीन है। और हमारा उत्तराखंड उससे भी ज्यादा क्लीन है। कभी आओ, आपको नैनीताल, मसूरी और मुनस्यारी घुमाएंगे। हाँ, जरूर। तो बड़ी अच्छी बात भैया ने बोली है, कीप क्लीन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सफाई, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो आप लोग भी जहाँ भी जाते हैं सफाई रखिए। बाकी चलिए अभी चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे नुब्रा वैली की ओर निकलेंगे। ये देखिए गाइस, ये है याक। अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है? हेलो भाई, रुक जा एक बार, एक सेल्फी तो ले लेता है। इधर होगा ब्रेकफास्ट। अंदर देखो ना, तासी भैया में आलू पराठा खिला रहे हैं। थैंक यू। ये कम खाना तीखा है। क्या खिला रहे हो तासी भैया, बताओ? आलू परोठा खाओ जी। आलू परोठा, नॉर्थ पुलो का आलू पराठा और चाय। मस्त है। आया मजा? मस्त है। 15 रुपए का एक सेब, एकदम फ्रेश। क्या नाम है आपका? मेरे नाम फुमसुख वांगडू। फुमसुख वांगडू हमें मिल गया। बच्चा बाग में तभी लगा, आपकी तलाश में तो आए थे हम। फुमसुख वांगडू हमें मिल गए फाइनली। तो आप यहाँ बैठे हो लोग तो। चलो ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं नुब्रा वैली की ओर। और वहाँ पे जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था वो थे हमारे फुमसुख वांगडू। फुमसुख वांगडू से मुलाकात करके अब हम लोग नुब्रा वैली की ओर निकल पड़े। सो मिलते हैं अब आपको आगे।